ऑटो एक्सपो ग्रेटर नोएडा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में आपको बता दें, आपको अलग अलग गाड़ियों की तस्वीरें और उसके बारे में हमने कल भी दिखाया था, लेकिन आज आपको बता दें एक अलग बात यह है कि जीप आपने देखी होगी हिंदुस्तान के गाँव में, जिस तरह से जीप होती हैं लोग देखते हैं थानों में या फिर लोग रखते थे, वो महिंद्रा के साथ उसका टाई अप होता था, लेकिन ये जीप जो है ओरिजिनल जीप है, एक अमेरिकन कंपनी है जो 75 साल इसका पूरा हो चुका है, 75 ईयर्स, और भारत में पहली बार इसका ग्लोबली यहाँ पर लॉन्च किया गया है और भारत में पहली बार इस ओरिजिनल जीप को यहाँ पर लाया गया है। इस जीप के बारे में आपको बता दूँ, इसका नाम है जीप रैंगलर, इसका नाम है जीप का, काफ़ी खूबसूरत है दिखने में, काफ़ी शानदार दिखने में लगती है। जब अभी अगर देखेंगे इसको तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि आखिर ओरिजिनल जीप में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। भारतीय बाज़ार में इसको उतारने की कोशिश की गई है। हमारे साथ रंजन मित्रा जी हैं जीप कंपनी से। सर आप ये बताइए इस जीप के बारे में, ज़रा आप बताइए शॉर्ट। जीप ग्लोबल ब्रांड है और ऐसे लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये सबसे काबिल और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और ऑफ रोड कैपेबिलिटी वाली SUVs हैं। इसे दिस आर द ओनली ओरिजिनल SUVs ग्लोबली अवेलेबल नाउ और ये पिछले 75 साल से जितने एडवेंचर सीकर्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन उम्दा गाड़ी रही है। जीप को हमने ऑटो एक्सपो के प्लेटफॉर्म के ज़रिए इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, तो आज आप देखेंगे कि हमारे 2 फ्लैगशिप मॉडल्स को हमने प्रदर्शन पे रखा है और ये गाड़ियाँ कुछ ही महीनों में इंडियन बाज़ार में आप देखेंगे। कुछ इसके प्राइस के बारे में आप लोगों ने डिसाइड किया? जैसा कि मैंने कहा कि कुछ डीलर्स हमारे अभी इसमें ऑपरेशनल होने वाले हैं कुछ महीनों के अंदर, वो समय हम अपने प्राइसिंग का डिसीजन लेके मार्केट में जो कमर्शियल लॉन्च करेंगे तब वो प्राइसिंग डिक्लेयर होगी। अभी जीप के इंटरनल जो है चीज़ें वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ से, कि आप इस पे आप अगर आते हैं अंदर की तरफ तो अंदर दिखते में इसका इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है, थोड़ा स्पोर्टी है, हार्ड लुक इसको देने की कोशिश की गई है यहाँ से। आप सर ये बताइए, आप इंटीरियर इसका आप लोगों ने क्या कुछ बदलने की इसमें कोशिश की आप लोगों ने? देखिए जैसे मैंने कहा कि जीप एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है और जो जीप रैंगलर है ये हमारी जो कहते हैं फाउंडेशन और लेगेसी मॉडल है, जो कि 1941 में पहले मिलिट्री में काफ़ी ये मशहूर हुआ करती थी, उसके बाद आज भी ये गाड़ियों को हमेशा जीप की गाड़ियां जो आप देखेंगे डिज़ाइन की जाती है उसमें जो एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स रहती है, हम इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखते हैं कि जब भी जीप की रैंगलर या कोई भी गाड़ी डिज़ाइन होगी पहली चीज़ ये रहती है कि सारे जो टेक्नोलॉजी और जो भी एलिमेंट्स इस गाड़ियों में जाती हैं वो ऑफ रोड कैपेबिलिटी के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है और साथ ही साथ ये आपको एक प्रीमियम सुपीरियर लग्जरियस फीलिंग भी देती है। इसके अलावा इसमें बहुत ही बेहतरीन राइड एंड हैंडलिंग रहती है जिसके कारण ये अपने आप में एक ही बहुत ही उम्दा और यूनिक किस्म की SUV मानी जाती है। ओके सर आप ये बताइए कि इसको लेकर के आपको जीप जो ओरिजिनल जीप है अमेरिकन कंपनी पहली बार भारत में लॉन्च हो रही है, आपको लगता है बाजार में बहुत आसानी से पकड़ बना पाएगी? देखिए हमने मार्केट में जब लोगों से बातचीत की, कस्टमर से हमें फीडबैक दिया कि जीप के जो एक लेगेसी है, जीप का जो ब्रांड का जो वैल्यू है बहुत स्ट्रांग रहा है और जीप जब भी किसी के जहन में आता है वो समझते हैं उसको क्लोजली, वो एक जेनरिक नेम है। जीप अपने आप में एक कैटेगरी डिफाइन करती है जिसे लोग स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के हिसाब से जानते हैं, तो हमें पूरा ये उम्मीद और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इंडियन कस्टमर्स इसे पसंद करें और उनकी ज़रूरत के अनुसार हम गाड़ियाँ ये ऑफ रोड के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरीके से आप देखते हैं ओपन जीप की बात आती है, इस पर एक सिस्टम ये दिया हुआ है कि आप इसको ओपन कर सकते हैं जितना ऊपर का है, इसको हटा के फिर आपको आसानी से कोई भी इसका जो गेट है, दरवाज़ा है या रूफ है उसको हटा सकता है और ओपन जीप की तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी स्पोर्टी लुक, हार्ड लुक अंदर देने की कोशिश की है, अच्छी लग रही है। एक बार आप अगर आते हैं यहाँ पर पवेलियन में ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो में तो एक बार देखें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। कैमरा पर्सन रोहित चौधरी के साथ मैं आरिज मतलूब, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो से।